के चलते जहां करनाल के मुख्य बाजार ओड इवन के तहत खोले जा रहे हैं, वहीं बस स्टैंड के करीब कुछ दुकानदार इनकी उल्लंघना करते पाए गए, जिसके चलते सिटी पुलिस SHO हरजिंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने दुकान को सील कर दिया। सिटी SHO हरजिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि करनाल में सम विषम के साथ दुकानें खोली जा रही हैं, परंतु कुछ दुकानदार इसका उल्लंघन कर रहे हैं, जिन पर आज कार्यवाही की गई है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि यह कार्य कोरोना वैश्विक महामारी से दुकानदारों को बचाने के लिए एवं उनकी सुरक्षा के लिए किया गया है, परंतु दुकानदार ही अगर इस तरह की कार्यवाही को अंजाम देंगे तो वह शहर के हित में नहीं होगा। उन्होंने दुकानदारों से आह्वान किया है कि जिस तरह से नगर निगम द्वारा दुकानें खोलने के लिए नंबर लगाए गए हैं, उसी आधार पर दुकान खोले, जिससे कि सोशल डिस्टेंस बना रहे। यहां हम आपको बता दें कि करनाल में लॉकडाउन में ढील देने के बाद शहर के कुछ बाजार खोल दिए गए हैं, परंतु ज्यादा भीड़ को देखते हुए ऑड इवन के तहत नंबर लगाकर दुकानों को खोला जा रहा है। समाचार एक्सप्रेस भी शहर के दुकानदारों से आह्वान करता है कि कोरोना महामारी के इस दौर में स्वयं भी अपनी जिम्मेदारी समझें और आने वाले ग्राहकों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए ऑड इवन के तहत ही दुकान खोले। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। करना चाहेंगे दुकानदार आज की जरूरत है, आप लोगों से अपील है, इससे पहले भी आप 24 आवर 24x7 जब मर्जी दुकानें खोलो बंद करो, आपको कभी प्रशासन ने रोका नहीं है। आप इसकी चीज को समझदारी और इसकी गंभीरता सीरियसनेस को समझिए। देखिए ये सिर्फ ऑड और इवन नंबर प्रशासन द्वारा इसलिए किए गए कि यहाँ भीड़ कम हो और इसमें आपका भी बचाव है, खुद का भी। आप एक दिन आते हो, एक दिन आप रेस्ट होते हो, आपको उस टाइम का गैप मिल जाता है, आपका स्क्रम टूटने का भी टाइम है। अगर आपने एक दिन उस दुकान पे बैठना है, एक दिन उस पे बैठना है, एक दिन उस पे बैठना है, तो फिर आपके लिए रूटीन का वर्क हो गया। तो आप हर टाइम अपनी दुकान पर हर टाइम कस्टमर को मिल रहे हो, कौन कैसा है क्या है उसका मुझे नहीं पता। ये लोगों की, दुकानदारों के लिए, कस्टमर्स के लिए, पब्लिक की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए है। आप इसकी सीरियसनेस को खुद समझिए। हमारे पास ऐसे दुकानदार भी आए हैं, खुद आए हैं कि मेरे 2 शटर हैं 3 शटर है सर, अलग अलग नंबर लग गया है, मैंने एक दिन खोलना, बताओ किस दिन खोलूँ। ऐसे दुकानदार खुद थाने में आए, खुद हमारे पास चल कर आए हैं, वो भी आदमी अपनी समझदारी का परिचय दिया। देखिए वो भी दोनों दिन खोल सकते हैं दुकान जब अलग अलग शटर है। तो जब हम ऐसी सोच सभी बना लेंगे कि हमें ये रूटीन है, हमने इस दिन खोलना है, हमने अपने आप नहीं भीड़ करनी, रोज लोगों को नहीं मिलना, रोज भीड़ में नहीं जाना, हमारा खुद का फायदा है, हमारी सेफ्टी, हमारे बच्चों की सेफ्टी। देखिए ये कमाना कमाना तो बाद की बात है, पहले जीना सीखो, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को सेफ रखो, उसके बाद ये सारे काम चल जाएंगे। इस दुकान पर मैं 3 से 4 बार खुद वार्निंग दे गया हूँ, बट आज फिर ये दुकान वही है, इसकी बार बार कंप्लेंट्स आती, बार बार लोग फोटो अपडेट करते अपलोड करते हैं, तो जो कि आज ये बोले कि हमारा 2 नंबर है, जो कि नगर निगम को बुलाया गया, उन्होंने बताया कि इनका 1 नंबर है, इन्होंने चेंज करके अपने आप 2 नंबर लगाया जो डिफरेंट कलर में था, जो कि इस दुकान को सील कर दिया गया और ये नगर निगम ने अपनी कर दिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.